ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये 36 लोट की मोटर है और थ्री फेज़ की मोटर है 3 HP की। ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है थ्री फेज इंडक्शन मोटर मेड बाय क्रम्पटन ग्रिव्स लिमिटेड की, क्रम्पटन ग्रिव्स कंपनी की मोटर है। और ये यहाँ पर लिखा है किलोवाट और HP 2.2 किलोवाट की है और 3 HP की है, यानी 3 हॉर्स पावर की। और वोल्टेज है 415 और RPM है 1430। ये 6 इंच का इसका आउटर डाया हो गया। ये स्टैम्पिंग का साइज है इसका। यानी कि 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है स्टैम्पिंग का साइज। थ्री फेज की मोटर में ये 2 कॉइल का एक सेट बनेगा, 2 कॉइल होंगी छोटी और बड़ी। ये कॉइल है सबसे छोटी और ये है इससे बड़ी, दूसरे नंबर की इस कॉइल से बड़ी कॉइल है। यानी कि सेट बनेंगे इसके अंदर, एक ही साइज़ के नहीं होंगे, अलग अलग साइज़ के हैं, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी कॉइल है इसके अंदर 20 टर्न है, ठीक है। और इसमें ये डबल वायर है, ये डबल वायर इसके अंदर डला है। अगर आप सिंगल टर्न गिनोगे इसकी तो 40 होंगी इसके अंदर, लेकिन ये डबल तार है, एक साथ करके टर्न बनाई है, इसीलिए इसके अंदर 20 टर्न है। और ये जो सबसे छोटी कॉइल है इसके अंदर है 35 टर्न, 35 टर्न है। सिंगल गिनोगे तो 70 टर्न हो जाएंगी, और डबल वायर है ना, इसीलिए 35 टर्न है। दोनों वायरों को एक साथ लेकर टर्न बनानी है। इसमें जो वायर नंबर है वो स्टैंडर्ड वायर गेज है 22.5 नंबर। अगर सिंगल डालते तो 20 नंबर बन जाता, जो कि मोटा हो जाता, इसीलिए इसके अंदर डबल वायर डाला है ताकि कॉइल डालने में आसानी रहे, ठीक है। ये पहला सेट बना है, इसी तरह के 12 सेट बनेंगे। एक सेट का वज़न होगा 170 ग्राम और टोटल 12 सेटों का वज़न हो जाएगा 2 किलो 40 ग्राम। ये पहला सेट डल चुका है और 2 कॉइल का सेट है। ये सबसे बड़ी कॉइल है जो अंदर डली है पहले, ये सबसे छोटी कॉइल है। और इसकी पिच आप देखें, 1 2 3 4 5 6 छोड़कर 1 से 8 में डली है पहली कॉइल, और 1 से 10 में डली है दूसरी कॉइल। और ये जो सिरा आप देख रहे हैं ये सबसे छोटी कॉइल का सिरा है, ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है। और ये सबसे बड़ी कॉइल का सिरा है जो, ये राइट हैंड की तरफ है। ऐसे ही सभी सेटों के अपने सिरे निकलने चाहिए। दूसरे सेट की पहली कॉइल यहाँ पर डल गई है, एक सेट तो ये डला है। अब जो दूसरा सेट डालना वो ऐसे डालना, देखो अगर आप इस साइड में चलना चाहते हो जैसे यहाँ से, फिर अगली कॉइल यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो आपको डालना है 2 स्लॉट छोड़कर पीछे से। आपको ये यहाँ पर 2 स्लॉट छोड़ देनी है, 1 2 तीसरे के अंदर पहली कॉइल डालनी है, ठीक है। अगर इस साइड से देखोगे तो आप ये जो पूरा सेट डला हुआ है ये पहले वाला, और दूसरा सेट आप डालोगे तो यहाँ से 1 स्लॉट छूट जाएगी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ से 1 स्लॉट छूट जाएगी। और ये यहाँ से लेकर यहाँ पर डली है तो 20 में 6 स्लॉट छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 8 में। ये जो पहली कॉइल डली है अभी, ये 1 से 8 में डली है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 से 8 हो गया ये। यहाँ पर दूसरी कॉइल डलेगी इस सेट की, ये डलेगी इसके अंदर, एक इसके अंदर और यहाँ पर इसके अंदर 1 से 10 में, ठीक है। इसी तरह एक एक स्लॉट छूटती जाएंगी, ये सेट यहाँ पर आ जाएगा पूरा, फिर इस स्लॉट को छोड़ देना है, इससे आगे वाले में तीसरा सेट डल जाएगा, ठीक है। अभी ये दूसरा डालकर दिखा देता हूँ आपको। ये पहली कॉइल तो यहाँ पर डल गई है 1 से 8 में, दूसरी यहाँ 1 से 10 में, यहाँ से लेकर और यहाँ पर 1 से 10 हो जाएगा, इसमें डलेगी दूसरी कॉइल, ठीक है। मैं अभी डालकर दिखा देता हूँ। ये 2 सेट डल चुके हैं, पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है। और इस सेट से ये जो सेट डला है पहला, इससे जो दूसरा सेट डला है उसके बीच में ये 1 स्लॉट इधर खाली है, और इधर आगे आगे भी ये देखो 1 स्लॉट यहाँ पर खाली है, ठीक है।
अब जो तीसरा सेट डलेगा वहाँ पर भी ये एक स्लॉट यहाँ पर खाली रह जाएगी। ठीक है, इसके सिरे देखो, ये जो सिरा आप देख रहे हैं ये यहाँ पर, ये इस कॉइल का सबसे छोटी कॉइल का, ये लेफ़्ट एंड की तरफ है। ठीक है, और ये जो सेट है दूसरा उसका, ये जो सिरा है ये भी इस छोटी कॉइल का है, ये भी लेफ़्ट एंड की तरफ है। ठीक है, इसी तरह जो जितने भी सेट आप डालोगे उन सभी के जो सबसे छोटी कॉइल वाले हैं सिरे हैं वो लेफ़्ट एंड की तरफ ही होने चाहिए। ये दो सेट यहाँ पर डल गए हैं, अभी दस सेट और डालने हैं। तीसरा सेट मैं डालने जा रहा हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ तीसरा सेट कैसे डालना है। इसी तरह से बाकी सभी सेट डालने हैं। ये जो सेट डला है इससे ये दो स्लॉट छोड़कर तीसरे स्लॉट में ये कॉइल डालनी है, पहली सबसे छोटी कॉइल। और जो सिरा आपको ध्यान देना है, जब ये पहला सेट ये डाला था तो इसका ये जो सिरा है इनर वायर ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है। ठीक है, इसी तरह ये सेट आप डाल रहे हो तो इसका ये इनर वायर है जो, ये भी लेफ़्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। देखो इसी तरह सभी कॉइलों के सिरे लेफ़्ट हैंड की तरफ होने चाहिए। अगर आप लेफ़्ट हैंड की तरफ पहली कॉइल का सिरा रखते हो तो, अगर राइट हैंड की तरफ रखोगे तो बाकी सभी कॉइलों के राइट हैंड की तरफ होने चाहिए। और एक साइड से मैंने कॉइल डाल ली है, अभी बीच में ये दो स्लॉट छोड़कर ये इस साइड से इधर दो स्लॉट छोड़ देनी है, तीसरे के अंदर इसको डाल देना। देखो ये जो यहाँ पर डली है इसके अंदर, देखो ये यहाँ पर डली है, ये स्लॉट खाली रह जाएगी, इससे आगे वाली इसके अंदर ये पहली कॉइल आएगी ऐसे, इस साइड से ये दो स्लॉट छोड़कर तीसरी स्लॉट के अंदर। और ऊपर की तरफ ये जो सेट डला हुआ है इससे एक स्लॉट छोड़कर आगे वाली में, और ये पिच हो गई 1 से 8 में। देखो ये इसके अंदर डली है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 से 8 हो गया, बीच में 6 छूट जाएंगी। देखो 1 2 3 4 5 6, बीच में 6 छूट गई हैं, 1 से 8 में पहली कॉइल है, और इसका जो इनर वायर है वह लेफ़्ट हैंड की तरफ है, जैसा कि बाकी सभी कॉइलों के लेफ़्ट हैंड की तरफ ही निकले हैं इनर वायर। ठीक है, और एक कॉइल इसकी ये यहाँ पर रखी है जो कि मैं अभी डाल लूँगा, तो आपको इस साइड में डालना है यहाँ पर, और वो डल जाएगा यहाँ पर 1 से 10 में। यहाँ पर 3 सेट डल चुके हैं और हर सेट के बाद एक स्लॉट बच जाती है। ये सेट डला तो यहाँ पर एक स्लॉट खाली रह गई, ये सेट डालने के बाद ये स्लॉट खाली रह गई, और ये सेट डालने के बाद यहाँ पर ये स्लॉट खाली नहीं बची है, क्योंकि अभी इनके ऊपर कॉइल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे वाला जो सेट अभी डलेगा इस खाली के अंदर और एक इसके ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से ये सेट पूरे डलते जाएंगे। जो ग्रीन सीट होती है वो, या फिर ये काला कागज़ है जो, इसको इन कॉइलों के ऐसे बीच में, ऐसे कॉइल के बीच में लगा देना, पूरा एक सेट पूरा होते ही कॉइल के बीच में ये कागज़ लगा देना है दोनों साइड। ये सेट डल चुके हैं और इससे आगे जब ये सेट हम डालेंगे, एक कॉइल तो डलेगी इस खाली के अंदर और दूसरी कॉइल आ जाएगी इसके अंदर, लेकिन इस साइड से ये जो अभी सेट डला हुआ उसका एक स्लॉट छोड़कर यहाँ पर डालेंगे तब एक इसके ऊपर आएगी, लेकिन आपको इसके ऊपर भी आप कॉइल डाल सकते हो यहाँ तक, नहीं तो फिर ये दो कॉइल लें और ये दो कॉइल लें और ये जो एक ऊपर एक कॉइल है, ये 5 कॉइलों को आपको एक साइड से बाहर निकाल देना है, यहाँ से इनको निकाल कर फिर इस सेट को, बाकी के जो सेट बचे हैं आपके उनको यहाँ पर डाल देना, फिर ऊपर से इन कॉइलों को उसके ऊपर डाल देना है। ये एक साइड से मैंने 5 कॉइलों को निकाल दिया है एक ही साइड से, और अब बाकी बचे हुए सेटों को इसके अंदर डालना है। ये पूरे 12 के 12 सेट डल गए हैं, और जो ये सेट हमने निकाले थे इनको वापस इनके ऊपर वापस डाल देना, जहाँ से निकाले थे ना वहीं पर वापस डाल देना है। ठीक है, ये डालने के बाद फिर इसके कनेक्शन करने हैं। दोस्तों मोटर वाइंडिंग हो चुकी है, ये देखो ये इसके अंदर 12 सेट डले हैं और एक सेट में 2 कॉइल हैं, और हर सेट डलने के बाद मैंने बीच में ये कागज़ लगाए हुए हैं, ये यहाँ पर मैंने
वाइट पीवीसी पेपर लगाया है, आप सीट भी लगा सकते हो। ये जो सेट है इसके ये दो सिरे हैं, इनर और आउटर। इनर और आउटर वायर को दोनों को मिलाकर मैंने एक वायर कर दिया यहाँ पर। ये एक सेट के दोनों वायर हैं, इनर और आउटर वायर। इसी तरह इससे आगे वाले सेट में भी ये दो वायर हैं, इनर और आउटर वायर, ठीक है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया मैंने। इसी तरह एक करने के बाद ये जो 12 सेट हैं, इन 12 सेटों के ये 12 सिरे निकल जाएंगे। आपको गिनकर दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से चलते हैं तो इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ ताकि गिनने में आसानी हो। ये एक सिरा हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये दस, ये ग्यारह, 12 सिरे हो गए हैं। और हर सिरे में दो दो सिरे और हैं, जैसे कि एक ये और एक ये, एक मिलाकर ये एक सिरा बना, तो इसमें दो सिरे और हैं इनर और आउटर वायर एक सेट के, ठीक है। ये 12 सेटों के 12 सिरे हो गए, अगर सिरे निकलेंगे तो 24 निकलेंगे, लेकिन कनेक्शन करने हैं ना अभी, इसीलिए मैं इनको ऐसे किया है। अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे ये बताता हूँ आपको। आप कहीं से भी कनेक्शन करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने ये फोल्ड किया है, यहाँ से शुरू करते हैं तो आप इनको खोल लेना है दोनों वायरों को ऐसे। ये दोनों वायर खोल दिए मैंने, ठीक है। अगर आप इस सिरे को, ये जो अंदर की तरफ है, इस सिरे को कनेक्शन के लिए रखते हो तो आपको ये रखना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं, इसको रखते हो कनेक्शन के लिए, ये जो अंदर है, तो इसको रख सकते हो, लेकिन मैं तो इसको रखता हूँ। इसको मैंने कनेक्शन के लिए रख दिया बाहर निकालने के लिए कनेक्शन, ठीक है। और ये सिरा मैंने ले लिया, ठीक है, ये सिरा ले लिया। इस सिरे को आपको दो सेट छोड़ देने, यानी कि एक सिरा ये और एक सिरा ये, इसको छोड़ देना है। और इस सिरे को इससे आगे वाला, ये एक सिरा छोड़ दिया, एक ये सिरा छोड़ दिया, तीसरे सिरे के साथ आपको इसको ज्वाइंट करना है अंदर वाली वायर के साथ। देखो ये मैंने खोल लिया तीसरा सिरा, इसका ये वायर अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ सिरा है और ये अंदर की तरफ सिरा है, तो इसको ऐसे जोड़ देना है। ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। और ये जो खोला था यहाँ पर, एक सिरा बच गया। इस सिरे को ये दो सिरे छोड़ देने, एक सिरा ये और एक सिरा ये। ये दो सिरा छोड़ने के बाद तीसरा जो सिरा है ये, इसके साथ ज्वाइंट करना है। ये यहाँ वाला बचा है बाहर की तरफ, तो इसको यहाँ बाहर की तरफ वाले के सिरे के साथ जोड़ना है। इसको मैं खोल लेता हूँ, ये मैंने खोल दिया सिरा। इसका सिरा ये है, ये साइड में है और ये इस साइड में, तो इन दोनों को जोड़ देना है ऐसे। अब रह गया ये सिरा, इस सिरे को एक सिरा ये छोड़ देना, एक सिरा ये छोड़ देना, इसके साथ जोड़ना है। इसको मैं खोल देता हूँ, ये दोनों सिरे खुल गए। इस सिरे के साथ जोड़ना है क्योंकि ये अंदर की तरफ है, रूटर के अंदर की तरफ है, और इसको, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अब ये सिरा रह गया, ये सिरा अब निकल जाएगा बाहर कनेक्शन के लिए। ठीक है, इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इससे आगे ये यहाँ पर आपने छोड़ा था ना सिरा, ये अब ये दो सिरे बचे हैं, इसके बाद ये सिरा हो गया। अब ये तीन कनेक्शन ज्वाइंट हुए इसके, ये दो अंदर की तरफ जुड़े हैं और एक ये बाहर की तरफ जुड़ा है। ये जो कनेक्शन जुड़ा है, इनको अंदर की तरफ कर देता हूँ ताकि हम और कनेक्शन कर सकें। इनको मैं अंदर की तरफ मोड़ देता हूँ क्योंकि ये कंप्लीट कनेक्शन हो चुके हैं, इसको अंदर डाल देता हूँ ऐसे। और ये जो सिरा था इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं करना अभी। और ये जो दो सिरे बचे हैं, ये एक सिरा, ये आपने यहाँ से शुरू किया था, ये यहाँ पर एंड हो गया, इनको नीचे की तरफ कर देता हूँ क्योंकि ये कनेक्शन हो चुके हैं। अब आप चले थे यहाँ से, ठीक है, अब आगे वाले कनेक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये एक पोल पूरा हो गया है कनेक्शन का, अब बचे हैं सिरे दिखा देता हूँ। ये दो बचे हैं और इससे आगे फिर ये दो बचे हैं,
और फिर ये दो बचे हैं और ये यहाँ पर दो बचे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से चलना है, यहाँ से जैसे पहले चले थे वैसे ही चलना पड़ेगा, जो पहली वाली कॉइल से आप चले थे वैसे ही। इसके भी दोनों सिरे खोल लेने हैं। आपने ये अंदर वाला ये सिरा छोड़ा था कनेक्शन के लिए, तो इसको नीचे की तरफ मैं मोड़ देता हूँ और ये सिरा बच गया जो कि ये इस साइड में है रूटर की तरफ, जहाँ पर रूटर चलता है वहाँ पर। अब ये सिरे को छोड़कर इससे आगे वाले सिरे के साथ इसका ज्वाइंट करना है। पहले दो छोड़े थे, अब एक छोड़ना है, ठीक है। इस सिरे को छोड़ देना है और इसे इसके साथ कनेक्शन करना है, ठीक। इसके दोनों सिरे खोल देता हूँ मैं, ये खुल गए दोनों सिरे। ये सिरा रूटर की तरफ है और इसका ये सिरा रूटर की तरफ है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इसका ये सिरा बचा है अभी। इस सिरे को, इस सिरे को छोड़कर इससे आगे वाले सिरे ये इसके साथ ज्वाइंट करना है। इसको मैं खोल देता हूँ। पहले आपने दो दो सिरे छोड़े थे, अब एक एक सिरा छोड़ना है। ये मैंने खोल दिया और ये रूटर की तरफ का सिरा इसको इस साइड में कर देता हूँ, ये नहीं ज्वाइंट करना। ये सिरा जो कि बाहर की तरफ है इस साइड में, और ये बचा हुआ सिरा ये भी बाहर की तरफ का है, तो बाहर बाहर के जोड़ने हैं, बाहर का बाहर के साथ, ठीक है। और ये जो रूटर की तरफ सिरा बचा था, इसको इस सिरे को छोड़कर इस सिरे के साथ ज्वाइंट करना है, इस सिरे के साथ। इसको दोनों सिरे को खोल लेता हूँ, और ये अंदर की तरफ सिरा है ना रूटर की तरफ, और ये भी रूटर की तरफ का सिरा है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, और ये अब सिरा रह गया, ये अभी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ये अभी कनेक्शन हो चुके हैं इनके, ये दोनों कनेक्शन हो चुके हैं, तो इनको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। अभी अभी बच गए इसके एक सिरा, ये बच गया है, ठीक है, और एक ये बच गया है, और एक ये बच गया है, ठीक है, और एक ये बच गया। अभी कोई भी सिरा नहीं छोड़ना है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं के साथ कनेक्शन करने हैं। अब इसको खोल लेते हैं। खोलने बाद आपने ये बाहर वाली की तरफ वाला सिरा छोड़ा था कनेक्शन के लिए, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। और ये सिरा है जो रह गया है, जो इसका दो सिरे होते हैं ना, एक सिरा ये रह गया जो अंदर रूट की तरफ है, इसको इसको इस सिरे के साथ, अभी कोई सिरा नहीं छोड़ना है, इससे आगे वाला जो सिरा है कॉयल का उसके साथ, ये अंदर की तरफ है, ये रूटर की साइड वाला सिरा है ये, और ये भी रूटर की साइड वाला सिरा, इन दोनों को जोड़ देना है। और इसका ये रह गया बाहर वाला जो इस साइड में है, इसको इसी सिरे के साथ, इसको खोल देता हूँ। ये अंदर की तरफ, ये बाहर का है रूटर की तरफ वाला, इसको इस छोड़ देना, इस सिरे को और इस सिरे को जोड़ देना। और अब ये रह गया रूटर की तरफ वाला सिरा, इसको अब आगे वाला जो सिरा ये बचा हुआ है इसको खोल लेना है। और इसके ये अंदर की तरफ है रूटर की तरफ वाला सिरा, और ये भी रूटर की तरफ वाला सिरा, इसके साथ इसको जोड़ देना है। ये अभी कनेक्शन हो गए हैं सभी, और अब ये सिरा रह गया ये कनेक्शन के लिए है, ठीक है, ये सभी कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अब आप सिरे देखोगे तो आपको मैं इस साइड से दिखा देता हूँ। ये एक सिरा और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा, ये छह सिरे रह गए हैं जो कि इनके ऊपर कनेक्शन होंगे, छह के छह कनेक्शन होंगे। इसके कनेक्शन कैसे होंगे अभी आपको बताऊंगा, पहले इन सभी को जॉइंट कर देना है। इनके ऊपर जो इंसुलेशन लगा है उन सभी को उतार देना है और स्लीव लगाकर कंप्लीट कनेक्शन कर देना है। मोटर के ये जो जितने वायर थे, जितने कनेक्शन थे, वो सभी मैंने ज्वाइंट कर दिए, स्लीव लगाकर ज्वाइंट कर दिए। ज्वाइंट करने के बाद ये इधर छह तार निकले इसके, एक दो तीन चार पाँच छः, छः सिरे निकले हैं बाहर कनेक्शन के लिए। और इसको अगर स्टार करना है तो एक दो तीन, इन तीनों वायरों को आपको ज्वाइंट कर देना है, इनमें सप्लाई नहीं देनी, ठीक है, ऐसे। और ये जो तीन तार बचेंगे इन पर आपको सप्लाई देनी है,
थ्री फेस की, तो ये मोटर स्टार में हो जाएगी। या फिर आप ये तीन वायर जोड़े हैं साथ साथ वाले, इनको आप सप्लाई दे सकते हो और इन तीनों को आप उसको आपस में जोड़ देना है तो भी ये स्टार हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन डेल्टा में करना है तो कैसे होगा, एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा ये, ठीक है। ये तीन सिरे हो गए, तीन ये इस साइड में हो गए, ये साथ साथ में हैं सभी छः सिरे, तो इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, ये डेल्टा में हो जाएंगे, ये डेल्टा एक कनेक्शन है। अगर इस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, अभी इनको खोल देता हूँ मैं, अगर कंटिन्यूटी चेक करनी तो इसके साथ इसकी और ये दो सिरे छोड़कर इसकी, इसके साथ इसकी कंटिन्यूटी आएगी, और इससे आगे वाले ये सिरा है इसकी, इन दो सिरों को छोड़कर इसके साथ कंटिन्यूटी आएगी, इन दोनों के साथ, ठीक है। बीच में दो सिरे छूट गए, और इसकी कंटिन्यूटी इन दो सिरों को छोड़कर इसके साथ आएगी, इन दोनों के साथ। ये जो मोटर मैंने वाइंडिंग की है इसके स्टार कनेक्शन है, और स्टार कनेक्शन ऐसे भी होते हैं। इसके छः वायर निकले हैं, एक ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब मैंने ज्वाइंट किए हैं दूसरा, चौथा और छठा, दो चार छः को ज्वाइंट करके यहाँ पर इसको बंद कर देना है, इस पर सप्लाई नहीं देनी है। और बच गए हैं ये तीन वायर, एक तीन पाँच नंबर के वायर, इन पर पावर सप्लाई देनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार की और अन्य वीडियो देखना चाहते हो इलेक्ट्रिकल मोटर रिवाइंडिंग से संबंधित, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एडवाइज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल सके। बाय बाय।